please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Vikas Sethi ji ko bhi jodte hain aur unse poochte hain ki wo aaj market ko kis tarah se trade karna chahte hain. Sethi sahab, मूड तो पूरी तरह से देखिए ग्लोबल मार्केट्स का बदलता हुआ नजर आ रहा है और एक अच्छी चीज भारत के बाजारों के लिए ये फेवर में आ रही है कि देखिए जब पहले ग्लोबल मार्केट्स चल रहे थे तो भारतीय बाजारों ने थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस किया था, तो वो कैचअप रैली शायद देखने को मिल सकती है ऐसा समझ में आ रहा है. आपका व्यू क्या है बाजार पर इस समय? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग प्रदीप. हाँ बिल्कुल, पिछले दो तीन दिनों में इंटरनेशनल मार्केट्स के तर्ज पे हमने भी एक बहुत अच्छी तेज़ी हमारे बाजार में देखी है और कल भी जो फैग एंड में एक अच्छी खासी तेज़ी हुई थी और उस समय जो यूएस के मार्केट्स जितने तेज थे उससे काफ़ी ऊपर काफ़ी अच्छी बड़ी तेज़ी वहाँ पर हुई है, तो उसका एक पॉजिटिव रिएक्शन गैप अप ओपनिंग के साथ होना चाहिए. बट ये जो तीन चार दिन की तेज़ी हुई है ये उसके इंटरनेशनल कारण है, जो बॉन्ड यील्ड्स है वहाँ पर कम हुई है, फिर आज जो जेरम पावल का रिमार्क्स आने वाले हैं ऐसे माना जा रहा है कि जो फेड की रेट हाइक होगी वो भी ग्रेजुअली होगी, तो वो एक इक्विटी मार्केट्स के लिए पॉजिटिव हो सकता है. बट ये तेज़ी एक शॉर्ट टर्म में एक अच्छी तेज़ी हुई है, तो मुझे लगता है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं जिन्होंने एक कंट्रारियन अप्रोच के साथ अगर पिछले दो तीन दिनों में खरीदारी करी है तो उनके लिए तो प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह रहेगी. मुझे नहीं लगता कि वी आर आउट ऑफ द वुड्स येट, क्योंकि हमारे लोकल इश्यूज़ भी है, जो फ्रॉड्स डिटेक्ट हो रहे हैं उनका भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट थोड़ा बाजार में है. बट अगर इंटरनेशनल मार्केट्स इसी तरह चलते रहेंगे तो डेफिनेटली रैली को अपर लेग साइड जो अपर एक बिल्कुल ऊपर यहाँ से और ऊपर भी जा सकते हैं, तो थोड़ा एक कॉशियस रहना पड़ेगा. बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जिन्होंने अभी हाल ही में पोजीशन बनाई है उनके लिए मेरी राय रहेगी कि हर उछाल में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करें, उसमें कोई हर्जा नहीं है, और फिर थोड़ी गिरावट का इंतजार करें वापस एंट्री करने के लिए. ऑलराइट.